साथियों, दांत के दर्द का हमारे इंटरनल ऑर्गन से गहरा रिश्ता है, यानी जब इंटरनल ऑर्गन्स में हीट बढ़ जाती है और उस हीट का असर जब दांतों तक पहुंचता है तब हमारे दांत दर्द करने लगते हैं। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी किस प्रकार से आप कलर थेरेपी से, सीड थेरेपी से, मैग्नेटोथेरेपी से, अरोमाथेरेपी से अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, विस्तार से समझते हैं उन सारी चीजों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वाशने, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जब भी हमारे शरीर में, स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ जाती है तब हमें दांतों का दर्द शुरू हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे जब भी कभी लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, जब हीट बढ़ने से जो शारीरिक द्रव्य है वो सूख जाएंगे और फिर स्टूल बहुत हार्ड हो जाएगा और हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। धीरे धीरे ये क्रॉनिक होगा, हीट बढ़ बढ़ के इसकी जो ऊर्जा है ना वो हमारे दांतों तक पहुंचती है। आइए समझते हैं इससे कि ये देखिए, आपने चेहरा देखा, ये माउथ है और कुछ आप कलरफुल लाइन्स देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस। मेरिडियंस मतलब ऊर्जा प्रवाह पथ, जिस मार्ग से शरीर में ऊर्जा बहती है इन्हें हम मेरिडियंस बोलते हैं। और किस किस इंटरनल ऑर्गन की मेरिडियन आ रही है माउथ के तरफ, एक आ रही है हरे रंग में जो मैंने मार्क किया है वो है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, रेड कलर से जो मार्क किया है वो है स्टमक मेरिडियन, एक है गवर्निंग वेसल मेरिडियन, नीचे हमारी से ऊपर की तरफ आ रही है माउथ की तरफ वो है हमारी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। यानी जब बड़ी आंत में गर्मी बढ़ेगी हमें कब्ज हो जाएगा स्टार्टिंग में, धीरे 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 वही हीट बढ़कर जब अटैक होगा इसका दांतों में तो गर्मी पाकर दांत दर्दीले हो जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। वहीं जब स्टमक में, पेट में गर्मी बढ़ती है साथियों तो शारीरिक द्रव्य सूख जाते हैं, व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है और मुंह से बदबू आने लगती है। स्टमक हीट जब बढ़ती है ना तो मुंह से बदबू भी बहुत आती है और वही जब स्टमक फायर का अटैक जब दांतों में होता है तो दांत दर्द करने लगते हैं। पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है कि यदि ऊपर के दांतों में कोई तकलीफ है तो किस प्रकार से आप कौन सा गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट लगाएंगे, नीचे के दांत में, नीचे के जबड़े में कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का कौन सा पॉइंट लगाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई है और इसकी वजह से दांतों में दर्द शुरू हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का कौन सा पॉइंट लगाएंगे, इन सब की चर्चा पिछली वीडियोज में हो चुकी है। आज बात करेंगे स्टमक मेरिडियन की, कि स्टमक मेरिडियन का वो कौन सा पॉइंट है जो स्टमक फायर को कंट्रोल कर ले जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें चिकित्सा के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी कलर थेरेपी के लिए ब्लैक स्केच पेन की, या ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कलर थेरेपी के लिए। और दूसरा हमें जरूरत होगी साथियों सीड थेरेपी की, सीड थेरेपी में फेनुग्रीक सीड्स ले सकते हैं और ये चिपकेंगे कैसे तो इसके लिए हमें जरूरत होगी पेपर टेप की। हमें यहाँ पर जरूरत होगी साथियों टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की। ये देखिए टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, हमें पेपर टेप में इसको इस तरीके से लगाना होता है और ये देखिए ये एक तरफ से होते हैं येलो कलर के और एक तरफ से होते हैं ये वाइट कलर के, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जब हम उस पॉइंट में कलर लगाकर, सीड लगाकर, मैग्नेट्स लगाकर और अरोमाथेरेपी से भी साथियों। अरोमाथेरेपी तो इतनी कारगर है कि इंस्टेंट रिजल्ट है। जैसे भी जब भी कभी हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, घर में लौंग होती है ना, बड़े लोग कहते हैं ना भाई लौंग को है दांतों के अंदर दबा लो क्योंकि लौंग
जब दांतों के अंदर जाएगी उसका जो रस होता है जब चूसेंगे थूक के साथ में सलाइवा के साथ में वो जब मिल जाता है तो दांत का दर्द ठीक होने लगता है। बिल्कुल साथियों वही देखिए, आप निगाह डालिए, एक आपको ब्लेंड दिख रहा होगा टूथटेक ब्लेंड अरोमा थेरेपी का, ये इतना कारगर है क्योंकि इसमें तो क्लोव एसेंशियल ऑयल है, इसके साथ साथ जो एंटीसेप्टिक ऑयल्स बहुत सारे हैं जो कि कहीं का भी दांत का इन्फेक्शन है, मसूड़े सूज रहे हैं, ब्लड आ रहा है और दांतों के दर्द में तो तुरंत ही राहत दे देता है, ये इतना कारगर है। तो आप अरोमा तुरंत यदि रिजल्ट चाहते हैं तो अरोमा थेरेपी का ब्लेंड ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तब तक तो आइए कलर थेरेपी से, सीड थेरेपी से, मैग्नेटोथेरेपी से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट है साथियों हमारा मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर में आएंगे मिडिल अपर फैलिंग्स में, नेल से बेस से हल्का सा स्लाइटली नीचे ही ये पॉइंट टुवर्ड थंब है, इस पॉइंट का नाम है स्टमक 44, बाइलेटरल है पॉइंट यानी दोनों ही हाथों में, ये देखिए दोनों ही हाथों में क्या करना है, एक तो ब्लैक कलर ही लगाना है, कलर थेरेपी में इसी पॉइंट पर हम लगाएंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर साथियों क्यों लगा, साथियों हमने स्टमक 44 पर ब्लैक कलर इसलिए लगाया क्योंकि स्टमक मेरिडियन के वाटर एलिमेंट का पॉइंट है ये। साथियों हमारा भी तो अनुभव है ना, जब भी कभी आग लगती है तो क्या करते हैं, हमें बुझाना हो आग को तो हम पानी ही तो डालते हैं ना, पानी डालकर आग बुझाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब स्टमक मेरिडियन में हीट बढ़ी है तो क्या करेंगे, जो वाटर का पॉइंट है स्टमक मेरिडियन में उसको हम कलर थेरेपी से टोन कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टोनिफिकेशन कलर है, किडनी का ये प्रिय कलर है ब्लैक, और लगा दिया हमने इन दोनों ही पॉइंट्स पर यानी कि स्टमक 44 पर दोनों ही हाथों में ब्लैक कलर, तो कलर थेरेपी हो गई। अब बात करते हैं सीड थेरेपी की। साथियों पेपर टेप में आप एक या दो दाना, वैसे तो एक दाना भी काफ़ी है, आप फेनुग्रीक सीड का ले लीजिए, यदि एक या दो बस क्योंकि पॉइंट्स पास पास में है तो आपका एक दाना भी चल जाएगा, पेपर टेप में आप इस तरीके से एक दाने को लीजिए और जो हमारा ये पॉइंट था स्टमक 44 इसके ऊपर लगा लीजिए, ये हमारी हो जाएगी सीड थेरेपी। लेकिन बस ये है कि आप जब भी हम सीड को लगाते हैं तो हमें बार बार स्टिमुलेट करना होता है, पॉइंट को दबाना होता है, तो आप हर 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में इस पॉइंट को दबाते रहिए, तब फिर ये असर करेगा। यदि आप चाहते हैं कि और पावरफुल ट्रीटमेंट हो आपका, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको दबाना ना पड़े और कभी रात में ये दिक्कत हो रही हो तो रात में आप जगेंगे, पॉइंट को दबाएंगे या अपने दांत के दर्द को ठीक करेंगे, तो फिर ऐसे में मैग्नेट्स कारगर हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आपको लेना हो तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की। जो कलर स्किन को टच करेगा वो इसका वाइट कलर होगा, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो कलर, यही पॉइंट है स्टमक 44, क्योंकि पेन हो रहा है, हम पेन की कंडीशन में इस पॉइंट को सजेस्ट करेंगे। आप लॉजिक समझिए कि कलर लगा के तो हमने टोन किया उसको, लेकिन चूंकि पेन हो रहा है, पेन में हमें तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, तो हम इस जगह पे इस पॉइंट से कर देंगे सेडेट, ताकि मैग्नेट से, ताकि हमें जल्दी से राहत मिल जाए, तो दर्द हो रहा है हमारा तो स्टमक 44 पे इस तरह से हम सेडेट करते रहे हैं। तो ये दोनों ही हाथों में करना है, ब्लैक कलर लगा सकते हैं, दूसरा मैग्नेट है, पेन से आप करार रहे हैं, जब स्टमक 44 पे आप मैग्नेट्स लगाएंगे सेडेशन वाला तो तुरंत दर्द में राहत हो जाएगी, ये कर सकते हैं। और जहां अभी बात हुई थी अरोमा थेरेपी में, जो हमारा टूथेक ब्लेंड है उसको देखिए, उसके 2 या 3 ड्रॉप्स आप वाटर में लीजिए, थोड़ा सा कुल्ला करिए और फेंक दीजिए, पीना नहीं है, कुछ देर तक, कुछ सेकेंड्स तक आप होल्ड करेंगे मुँह में और 2-3 बार ऐसा करेंगे और देखेंगे कि तुरंत ही एक तो फ्रेश ब्रीथ हो जाएगी, जो आप मुंह से बदबू आती थी वो खत्म हो जाएगी, और दर्द हो रहा था दर्द में राहत हो जाएगी, जो मसूड़ों से खून आ रहा था, लाल लाल रंग के मसूड़े हो रहे थे, दर्दीले मसूड़े थे, उनमें भी तुरंत ही आराम आ जाएगा, दर्द से तुरंत ही राहत के लिए आप चाहते हैं कि तुरंत ही ट्रीटमेंट आपका, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिले, तो अरोमा थेरेपी बहुत कारगर है। बाकी 6 घंटे
4 घंटे 5 घंटे आप मैग्नेट्स लगाकर भी रख सकते हैं। लगातों के साथ ही पेन में तो आराम आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ समय लगेगा ठीक होने में। और नहीं मैग्नेट है तो आप मेथी का दाना लगा लीजिए, बस स्टिमुलेट करते रहिए। नहीं है तो आप मैग्नेट कलर तो लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, आप कलर लगा के भी तुरंत उपचार कर सकते हैं। यदि आपको भी साथियों आवश्यकता है मैग्नेट्स की, अरोमाथेरेपी ब्लेंड की, तो निगाह डालिए नीचे एक वेबसाइट की लिंक है sambhavcure.com, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। यदि आपका भी मन है अरोमाथेरेपी कोर्स सीखने का, एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखने का, तो निगाह डालिए कोर्सेज में, बहुत सारे कोर्सेज जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकें। आप डायरेक्टली वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। आप भी ग्रसित हैं बहुत सारी परेशानियों से और उपचार चाहते हैं अरोमाथेरेपी से, एक्यूप्रेशर से, तो आप मुझे या तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी, या हो सकता है पहले से ही वीडियो बनी हुई हो तो आप वेबसाइट में ही गैलरी जो है हमारी वीडियो गैलरी, उसमें आप जो भी टॉपिक डालेंगे और यदि वीडियो बनी होगी तो वो आप उसको देख सकते हैं। अरोमाथेरेपी से या एक्यूप्रेशर से जो ट्रीटमेंट वहाँ पर बताया गया है, आप खुद घर पर रह कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी बीमारी को खुद अपने लेवल पर ठीक कर सकते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।